नागपुरातील ऑक्सिजन बर्ड पार्क हा विशेष पार्क भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पुढाकारातून नागपूर हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 वर ऑक्सिजन बर्ड पार्क साकारण्यात आलाय। एकूण 14.32 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प जवळपास 20 एकरामध्ये साकारण्यात आलाय। या ठिकाणी केवळ पक्ष्यांसाठी विशिष्ट आणि पक्ष्यांच्या आवडीच्या फळझाडांची लागवड करण्यात आली आहे। या उद्यानाचं महत्त्व केवळ ऑक्सिजन देणारा परिसर एवढंच नाही तर पक्ष्यांच्या विविध प्रजातींसाठी हा परिसर आश्रयस्थान म्हणून उपयुक्त ठरणार आहे। विशेष म्हणजे 8104 प्रकारच्या वनस्पतींसह ऑक्सिजन पार्क विकसित करण्यात आलाय। या प्रकल्पात त्या भागातील नैसर्गिक तळ्यांना देखील त्याच स्वरूपात समाविष्ट करून घेण्यात आले। या ऑक्सिजन बर्ड पार्कमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांसाठी फूड कोर्ट, प्रसाधन गृहे, चालण्याचे मार्ग, जॉगिंग आणि सायकलिंग ट्रॅक देखील आहेत। नागपूरमध्ये नितीन गडकरी यांच्या हस्तेच याच ऑक्सिजन बर्ड पार्कचं आज उद्घाटन झालेलं आहे। वर्धा रोड जामठे येथे हे उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे। नागपूरमध्ये नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेलं हे ऑक्सीजन बर्ड पार्क सर्वांसाठी खुला करून देण्यात आलंय। देखिए, हमारे देश की अनेक समस्या है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की, और पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा बहुत कर्तव्य है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से देश को मुक्ति देना। दिल्ली जैसे शहर में विशेष रूप से कितना पोल्यूशन बढ़ा, उसका हेल्थ के ऊपर कितना परिणाम हुआ। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 10 साल उनका जीवन कम हो गया। तो ये ऐसा पार्क है, यहाँ सीनियर सिटीजन, दिव्यांग बच्चे आएंगे, खेलेंगे। अच्छा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और विशेष रूप से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ वो आने के बाद ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है और अपने घर के तरफ की हवा बहुत फ़र्क है। दूसरी बात, ये बर्ड अलग अलग प्रकार के आएंगे, वो तालाब भी बनाया है, और यहाँ फ्रूट्स के पेड़ हैं। हमारे फ्रूट्स ह्यूमन बीइंग, इंसान नहीं तोड़ सकता, ये केवल बर्ड्स के लिए रखे हैं। तो प्रयास है कि दुनिया भर के बर्ड्स यहाँ आए। जैसे मुंबई में रशिया से बर्ड्स आते हैं तालाब में। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी इच्छा रही कि कैसे करेंगे कोशिश उसके लिए कि पूरे अलग अलग बर्ड्स यहाँ आए, लोग यहाँ आए, ऑक्सीजन लें और उनका स्वास्थ्य अच्छा बने। ये एक NHI ने पहल की है। ये यहाँ सूर्य सोलर पावर है, ये पूरे एक कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट है, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए खेलने की जगह है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेने वाले ऐसी स्पेसेस लगाई है। अब उसके नीचे में हम इंग्लिश, मराठी, हिंदी में बोर्ड भी लगाएंगे, ताकि बच्चे जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन सा CO2 कौन सा पेड़ ज़्यादा लेता है। हम इसके कार्बन क्रेडिट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमने अभी तक 4 करोड़ पेड़ लगाए 3 मीटर के, उसको ई-टैग 3-3.5 करोड़ ई-टैग हुआ है। फिर उसके बाद में हमने करीब 76,000 ट्रांसप्लांट किए हैं, उसको भी हम ई-टैग करेंगे, और ये वेबसाइट पर आप देख सकोगे कहाँ किया, नंबर देंगे। तो इस प्रकार से एक इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए, जैसे मैं अभी ये गाड़ी में आया हूँ, ये 100% इथेनॉल पर चलने वाली है, और ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो EuroSix इमिशन नॉर्म पूरी करते हैं। एक तरफ फ्यूल में अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल लाकर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 40% पोल्यूशन है उसको कम करना, और दूसरी ओर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा अपने को कितना जीवन आपका ख़राब कर रहा है, हम सब पता नहीं कर, समझ नहीं पाते। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ लेंगे तो हमारी हवा शुद्ध होगी, और एक खुले ऑक्सीजन में लोगों को आनंद मिलेगा, बच्चों को आनंद मिलेगा, दिव्यांगों को मिलेगा, सीनियर सिटीजन को मिलेगा। ये बहुत खुशी की। नितिन जी, आपने सोचा कि जो प्लेन उड़े वो बायोफ्यूल से उड़े, किसानों को फ़ायदा हो, क्या पूरा प्लान है, कैसे पॉसिबल है? मैं आगे बताऊँगा, आप इंटरव्यू लूँगा। वो आज आप ये बर्ड और ऑक्सीजन पर करिए। थैंक यू।